प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 लोकसभा चुनाव से पहले आज पूर्वांचल के दौरे पर निकल रहे हैं और गाजीपुर में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र में ये 16वां दौरा होगा, जहां पर वो 180 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और लगभग 98 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सड़क से लेकर वॉल पेंटिंग और अन्य तैयारियां भी पुख्ता की गई हैं ताकि कहीं से कोई कमी दिखाई न दे। फिलहाल प्रधानमंत्री लगभग दोपहर में 2 बजे बनारस पहुंचेंगे और यहां आने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की सौगात बनारस को देंगे। यहां पर यह चावल अनुसंधान केंद्र एशिया का पहला चावल अनुसंधान केंद्र होगा, जहाँ पर तरह तरह के चावलों पर रिसर्च किए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री बुनकरों और शिल्पियों से भी मुलाकात करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आ रहे हैं और दोपहर में प्रधानमंत्री का आगमन वाराणसी में होना है। हम इस समय चावल अनुसंधान केंद्र के बाहर हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और हस्तशिल्पियों और बुनकरों के साथ भी मुलाकात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का लगभग 3 से 3.5 घंटे का कार्यक्रम वाराणसी में होने वाला है, जहाँ पर प्रधानमंत्री 180 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और लगभग 97 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र को लगभग 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी से गोपाल मिश्र, ईटीवी।